आज की मॉर्निंग की शुरुआत हमारे सीधा मिठाई लेने की। आज हो रहे लड्डू, आज हो रहा हमारा लिंटर, और लिंटर के लिए देखते हैं कितने लड्डू भाई इतने रखे हैं। फिलहाल बूंदी के लड्डू लेने थे, पहले गिन लेता हूँ कितने यहीं पे। अंकुर भाई का हाथ डलने वाला है लिंटर, इस बारे में क्या कहना चाहोगे? खुशी व्यक्त, कुछ नहीं, जीरो बटे सन्नाटा। शाम को बोलेगा, शाम को बोल देगा क्या हो रहा है। ओ भाई सुबह सुबह की मॉर्निंग कितनी। हेलो जी, हेलो, वेलकम बैक मेरे एक और ब्लॉग वीडियो में। वैसे तो मैं आज कुछ ऐसा खास है नहीं था, मतलब वीडियो बनाने जो रहा हूँ ना मैं, खास ये है भाई लाल मिठाई वगैरह ले आए हैं, और इस वाली साइड पे आज हमारा पहला लिंटर डल रहा है भाई। तो देखते हैं कितनी टाइम लगेगा, क्योंकि बड़ा लिंटर है बहुत ही ज्यादा। तो ये है भाई हमारा लिंटर आज का, जो कि काफी एरिया में फैला हुआ है। अभी इसका एरिया कितना है अंकुर भाई बताएंगे हमारे। इसके लिए हमने दो मशीन लगा रखी, एक इधर है एक इधर है, वो अभी चालू उसे भी चालू कराओ यार। सर इसकी बिजली वाले का कुछ अंकुर भाई, इसका एरिया कितना वैसे हमारी साइड का? 12,000 स्क्वायर फीट, दो ही लेबर दिख रही, एक वो बाकी कहाँ है। मशीन स्टार्ट होगी तो पहले रोड का ही माल उठवा रहे, ताकि रास्ता खुल जाए भाई लोगों के लिए। इधर वाले फटाफट होके आ जाएगा, क्योंकि सारा माल पास में ही है, मशीन बिल्कुल उसी पे लग रही है ना, इसीलिए। तो बस एक गान आता है फिर पूजा कराते हैं। सुबह सुबह की लोकेशन इतनी प्यारी आती है ना यहाँ की, वाह देखने लायक नजारा रहता है सुबह सुबह। और आजकल तो गंगा ही भर के चल रही है भाई, इसकी इतनी ठंडी ठंडी हवा आ रही। वैसे यहाँ कमारी रोड पे अभी आ रहे थे ना, इतनी ज्यादा आ रही थी, अमेजिंग पूरा व्यू दिखता है यहाँ से। यहाँ से तो तुम देख ही सकते हो भाई कितनी भर के चल रही है, वहां तक चल रही। ज्यादातर क्या होता है ना, ये नीचे कम कम ही चलती है, जहां तक ये पेड़ खड़े इससे भी इधर ही। और आज तो भाई डबल रास्ते चल रही कल से, यानी कि इतना पानी आ चुका है, ये चली ही जा रही है कल से। बस एक मशीन इधर लगी हुई है हमारी, देखते कब तक ये भी स्टार्ट हो रही है। फिलहाल ना 8:30 बज रहे, 8:30 बजे स्टार्ट करिए, और कम से कम नहीं तो इसे लगेंगे भाई डलने के लिए दो मशीनों से भी 8 घंटे, यानी कि 7 से 8 घंटे लगने वाले हैं। 8:30 बज रहे हैं, यानी कि 8 और 4 12, 1 घंटे का लंच, 12:05 5 बजे तक डल जाना चाहिए इसका मतलब। तो अभी थोड़ी देर तो मैं यहीं रुकूंगा, उसके बाद फिर दूसरी साइड पर जाना, जब तक ये काम पूरा रेडी नहीं रहता तब निकलेंगे। बस ये वाली भी शुरू होने वाली, इसके लिए हमने माल इधर गिरा रखा है। लो जी भाई पूजा भी हो गई, सारा काम हो गया, एकदम रेडी, बस अब लिंटर डालने की देरी है, जल्दी से हो जाए काम। महासंग्राम भाई, महासंग्राम चल रहा है अभी, थोड़ी देर पहले लड़ रहे थे बहुत खतरनाक। ये WWE स्टार्ट होने वाला बस यहीं पे। भाई पानी की आवाज तो कमारी, लेकिन चल फुल रहा है एकदम नेक्स्ट लेवल का। बढ़िया बात ये कि व्यू बहुत अच्छा है यार, यहाँ पे आदमी सुबह से शाम तक बैठ जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। फिलहाल लिंटर की सारी चीजें हो गई है रेडी, अब चलते हैं अपनी दूसरी वाली साइड पे, यहाँ पे मिलते हैं शाम को 6 बजे के बाद। तो तब तक काम देख लेते, तब बाद में मिलते हैं कितना डल जाएगा, कितना रह जाएगा। भाई बहुत ही ज्यादा बंदे लगे पड़े, पूरा भंडारा हो रखा, इतने बंदे लगे हुए हैं। सुबह 8:30 से स्टार्ट करी थी और अभी बज रहे 7, यानी कि मैं आया हूँ सुबह से पूरा दिन लगा के अब देखने के लिए। तो फिलहाल क्या है ना भाई, हमारा 90% डल गया और 5% रह गया, यानी कि 5% खोलने में लग जाता है ना फिर टाइम। तो बस आगे आ गया कोना रह गया जहाँ पे भाई साहब फोन लेके खड़े हैं, बाकी पूरा हल्की हल्की बारिश भी आई थी, हमने पन्नी घेर दी थी, लेकिन ज़्यादा आई नहीं, हल्की हल्की है, देखो हल्की 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 हल्की, बाकी सारा काम रहा एकदम मस्त झकास। और व्यू का मजा लेते रहे बस यहाँ से यार व्यू का मजा इतना आता है ना दोनों तरफ से, इधर की तरफ से भी और उधर की तरफ से, तो और भी ज्यादा आता है। ये खंबा ऐसा लग रहा है बिल्कुल पास में, लेकिन इसके बीच में कम से 20 से 30 मीटर का फर्क है, काफी दूर है, लेकिन बड़ा खंबा ना इसलिए पास में ही लगता है, कोई बात नहीं। और जितना माल पड़ा था ना भाई अपना, ये देखो पूरा मामला चट पड़ा है एकदम रोड का,
सारा कुछ क्लीन हो गया है, नीचे नीचे पड़ी पर जो पानी में भीगी हुई है बस उसे खिट्टा करा देंगे, कॉलम में काम आएगा। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी डालने के बाद मिलते थोड़ी ही देर में। ठीक है तू? ऐसे ऐसे बंदे काम कर रहे हैं यहाँ पे एयरफोन लगा के, बेचारा एंकर की हालत खराब, सुबह से एक पैर पे खड़ा है। इतने मजे तू तपस्या भी कर सकता था, अब तक महादेव प्रकट भी हो जाते, सावन भी चल रहा है। बस दो मशीन लग रही थी, इधर वाली मशीन जीत गई भाई, वो बंद होगी पहले ही, ये हार गई है। अंकुर भाई खाना खाया नहीं खाया ये बताओ पहले, दाल चावल आए नहीं थे? ओए यार मेला लग गया, अंकल आंटी लेबर तो चली गई हमारे।